सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर में यात्रा के कई साधन हैं, जैसे कि रेलवे और रोडवेज, जिसमें से रोडवेज यात्रियों के आवागमन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसमें भागलपुर बस स्टैंड एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपको बिहार के भागलपुर बस स्टैंड की कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड भागलपुर शहर के एक बेहद ही खूबसूरत बस स्टैंड है। भागलपुर बस स्टैंड से कोलकाता, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, बोकारो, देवरिया, बलिया और रांची जैसे शहरों के लिए रेगुलर बस सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड से रांची के लिए शिवम ट्रैवल्स, कोहिनूर ट्रैवल्स, आरजू ट्रैवल्स, रघवी रोडवेज की बस, पूर्णिया के लिए सुपर पावर ट्रैवल्स की बस, धनबाद के लिए कोहिनूर ट्रैवल्स, पटना के लिए श्री कृष्णा रथ माँ शांति ट्रैवल्स, सिलीगुड़ी के लिए सुपर पावर अंजन रोडवेज, कोलकाता के लिए नया रथ मोटर सर्विस और अन्य प्रमुख शहरों के लिए BSRTC की बसें चला करती हैं। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड में मौजूद कुछ प्रमुख सुविधाओं में टिकट काउंटर, टी स्टॉल, फूड स्टॉल, वाटर आउटलेट्स, स्नैक स्टॉल आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। भागलपुर बस स्टैंड से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 800 मीटर की है, जहां तक आप पैदल के साथ साथ ई रिक्शा या रिक्शा के साथ आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड के समीप कई सारे शानदार होटल्स यात्रियों के लिए मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से आनंद होटल, महावीर होटल भागलपुर, होटल शिवा, MS होटल प्राइवेट लिमिटेड, होटल विद्या रेसिडेंसी, होटल साई निवास, विनीत होटल, होटल अशोका ग्रैंड, अतिथि पैलेस, होटल श्री यश रीजेंसी, होटल स्टोन पार्क, होटल भावना इंटरनेशनल, होटल साई इंटरनेशनल, होटल 11, होटल सनान, होटल आस्था, होटल वैभव, मेट्रो प्लाजा, होटल पंचवटी, होटल मैक्स इन, होटल JP ग्रैंड, होटल निर्मला आदि शामिल हैं, जो बिल्कुल कम रेटों पर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड के नज़दीक घूमने की कई अच्छी जगह मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से भागलपुर म्यूजियम, रविंद्र भवन, जयप्रकाश उद्यान, बुद्धनाथ मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, महर्षि मेही आश्रम, लाजपत पार्क, विक्रमशिला सेतु आदि शुमार हैं, जहां घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अगर आपको फ्री टाइम है तो आप भी वहाँ पर घूमने हेतु जा सकते हैं। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो या कैब बहुत ही आसानी से मिल जाया करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड एक क्राउडेड प्लेस में सिचुएटेड है और सरकार के द्वारा इसे एक बहुत ही बड़े प्लेस में ले जाने की तैयारी तेज कर दी गई है, तो उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में भागलपुर स्मार्ट सिटी की तरह भागलपुर बस स्टैंड भी काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा और बहुत सारे सुविधाओं से लैस हो जाएगा, जैसे कि शौचालय, स्नानागार, वेटिंग हॉल आदि, और उम्मीद है कि ये कार्य अगले 1 से 2 वर्षों में संभव हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जो डेवलपमेंट रेट है वो काफ़ी अच्छा है अन्य स्टेट्स के मामले में। दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण का काम जारी है और ये बस स्टैंड जल्द ही स्मार्ट सिटी के लायक स्मार्ट बस स्टैंड के अनुरूप बनने के लिए तैयार है।
दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड से दिवा रात्रि हर समय आपको बस उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि भागलपुर बिहार का एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस है और आसपास के कस्बों, गांवों या शहरी क्षेत्रों से लोग यहां पर यात्रा करने हेतु आते हैं, क्योंकि यहां से आपको सुदूर क्षेत्रों के लिए बस मिल जाया करती है। दोस्तों, भागलपुर रेलवे स्टेशन के साथ साथ भागलपुर बस स्टैंड का भी पर्यटन को बढ़ावा देने में काफ़ी अहम योगदान रहा है। पिछले कई वर्षों से भागलपुर बस स्टैंड रेगुलरली डेवलप कर रहा है। उम्मीद है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाद भागलपुर बस स्टैंड काफ़ी तेजी से विकसित कर लेगा और बिहार का सर्वश्रेष्ठ बस स्टैंड बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, भागलपुर बस स्टैंड की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं कपड़ों का बिजनेस तो दिव्या टेक्सटाइल रांची से आपको बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर कपड़ों की 200 से भी अधिक वैरायटी मिल जाएगी। दोस्तों, यही वो समय है जब आप अपने बिजनेस को एक नया स्टार्टअप दे सकते हैं और कपड़ों का बिजनेस इसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट का इशू रहता है, लेकिन कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी तरह के एक्सपायरी डेट का इशू नहीं रहता है। तो आपको बस करना ये है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क करके या कॉल करके ऑनलाइन घर बैठे हमसे ऑर्डर करना है। दोस्तों, दिव्या टेक्सटाइल में बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, लेडीज़ मटेरियल, जेंट्स मटेरियल आदि सारे चीज़ आपको रिजनेबल रेट पर मिल जाएंगे। तो फटाफट मोबाइल उठाइए और अपने खुद के कपड़ों का बिजनेस शुरू कीजिए और ढेर सारे पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।